आपकी भावना के अनुसार कोई सरकार चुन सका है और ये बात को समय हमारी प्रतिष्ठा है नारे है प्रजातंत्र की बदलती तस्वीर ने की रूप में निखारी जाए वापस विधानसभा में पूर्ण लोगों ने तुनल भेजा जाए ये बात को निर्णय करवा के लिए हमारी प्रतिष्ठा के जो चुनाव होना है चुनाव की चुनावी सभा आज अपना गांव बड़ा गांव में आयोजित करी गई है। आज की सभा का मंच पर अध्यक्षता कर रहा परम आदरणीय सम्मान्य शेखावत साहब अपना गांव का सरपंच प्रतिनिधि आदरणीय सैनी साहब ग्राम पंचायत भूटी का पूर्व सरपंच आदरणीय गुप्ता जी हमारा शिक्षक नेता आदरणीय कोड़ाराम जी अपने पंचायत समिति का सदस्य आदरणीय राम सिंह जी अपने जिला परिषद का सदस्य आदरणीय सतपाल जी और सम्मान मंच और मंच के समक्ष विराजमान आदरणीय के मेरा बुजुर्ग नौजवान दोस्तों मीडिया का साथियों और बच्चों सारी चीजें आप लोगों के सामने रखी गई है। कांग्रेस की सरकार अशोक काम करो इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही में भी आपका सेवक के रूप में काम कर रहे हो कति कोशिश मेरे द्वारा करी गई इस चीज को लेखो तो कुछ आरोप प्रस्तुत करे हो मैं आपके बीच में आज आप बात कर हाजिर हुए हो ये वाकई जनता ने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 साल कुछ काम काम हुए हो और अगर 5 साल में गांव उपेक्षित रहे है तो अपन सोचों में निर्णय करने न करना चाहिए। मैं लगातार ये बात ने आवाज बुलंद करते रहे हो विधानसभा में भी आपका गांव में भी आपने पंचायत समिति में भी कि बड़ा गांव उदयपुर वाटी का प्रवेश द्वार है और प्रवेश द्वार में प्रवेश द्वार के रूप में सुसज्जित रख के गांव लोगों को प्रवेश होना चाहे ये बात के लिए मैं जीत जान लगाकर 5 साल में ऐतिहासिक विकास करे गांव में सीमेंट की सड़क बनी गोरखपथ बने गांव में जोड़ वाली चारों तरफ की लिंक सड़क सारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का समय पर मैंने जैसे जैसे जरूरत थी बड़े बड़े पीने पानी के लिए ट्यूबवेल बनाया गया अस्पताल की जैसे जरूरत थी अस्पताल में जैसी व्यवस्था होनी चाहिए वार्ड की है कमरा की है सारी व्यवस्था करवाने की कोशिश करी। आज कांग्रेस की सरकार एक छोटा सा गांव है जो को बड़ा गांव के सामने आदो भी को नहीं बड़े कन्या जी कॉलेज बने बड़े उपते सिर बने अपना गांव से आधी आबादी को नहीं मांगो नगर पालिका को स्वरूप नहीं बैठे नगर पालिका बनाए और भावी जद बनाए जब जीत वाला लोगों ने वो बड़ा गांव ऐतिहासिक आशीर्वाद दे भी का बावजूद भी आपने साधन तो दो लोग फिर भी गांव के साधन तो भेदभाव मैं चुनाव जीतू आलू लेकिन मैं गांव ने मैं खुद तो मान सम्मान मिलना चाहे प्रवेश द्वार के रूप में गांव को जो तो सम्मान होना चाहे वो तो सम्मान करवा की पूरी कोशिश करी बात को पूरा गांव गवाही है साक्षी है लेकिन गांव में ऐतिहासिक 2018 में वोट गिन दिया गया आप लोग मेरे बेटे जानो वोटर आप हो मैं बोली मैं तो आपका सेवक के रूप में काम करूं हूं पर मैं गांव ने जानना चाहूं कि सरकार बावड़ी ही या संविधान की व्यवस्था गलत है या बाबा साहब को बनाए जो कानून गलत है तो फिर 5 साल में परिवर्तन लगा की जरूरत क्यों है जब निर्णय अपने को करना है कोई जाति पाति धर्म मजहब को लेने देना नहीं है मैं तो बात करते जानना चाहूं 5 साल में अपन मिले के आप में से छोटा छोटा गांव ने एक सुविधा दी गई जगह का आपा अधिकारी है देखिए आपने मिलनी चाहिए ही आज गांव कुंठित भी है दुखी भी है वो क्यों को रही हो पूरी उदयपुर वाली जाना है जद फोक और गुड़ा में
नगर पालिका की घोषणा हो रही है, जिसे पूरे विधानसभा पूरी पंचायत समिति का लोग जो किया कि नगर पालिका अगर बढ़ी तो बड़ा गांव में बढ़ जाएगा। बड़ा गांव में शिक्षा को बहुत प्रमुख केंद्र है, बड़ा गांव बहुत सारा गांव का लोगों ने आराम से उन्होंने कोई नहीं पूछा कैसा पे बड़ा गांव में पढ़ता भी गरा। बड़ा गांव में सरकारी कॉलेज नहीं, कोई बात नहीं, कोई समय में कोई सरकार बना पाई नहीं बना पाई, लेकिन बढ़ा रही है जरा कठे बढ़नी चाहिए। इसको भी आप मन चित्रेगा उत्तर सिंह की चर्चा अगर करनी है और झुंझुनू और नीम का तरह दो जिला पढ़ना है और आप तो भाग झुंझुनू में जानो है तो उत्तर सिंह को बिठा को कह दो झुंझुनू जिला में अगर आप जाओ हाँ तो गुड़ागोड़ नहीं तेसर के बाद में अगर कोई उत्तर सिंह बने तो कठी पढ़नी चाहिए और सारी चीजें को पता तो थाने है ठा है, लेकिन आप निर्णय क्यों कौन कर पावा, आप बात क्यों कौन सोच पावा कि काम पूर्ण करेगा वो वोट की नहीं देना चाहिए दिया जाएगा तो कौन ही करेगा। मात्र किसी बात करना को विषय है कि अगर आप हर एक चीज देखो गुरु मानवा की बात को नहीं, कुछ लोग गलतियां करें। बड़ा गांव में आया सरकार को एक फैसला पढ़े अखबार में आई उदयपुर संपूर्ण विधानसभा को पंचायत समिति को नीम का थाना में शामिल किया जाता है, मैं आप लोग भी पढ़ी मैं भी पढ़ी, जगह जगह दिल में दर्द हो वे लोग आवाज उठाई मेरे जिम्मू हो क्योंकि मैं विपक्ष में आपके भरोसे काम कर रहा हूं, इसलिए मैं भी आवाज बुलंद करी गांव में जगावा की कोशिश करी। बड़ा गांव में बहुत सा नौजवान साथी जगह दिख भ्रमित है, काला धंधा दिखा रहा था सुनकर चौधरी मुर्दाबाद में गुरु भाई कारण तो बताओ, मैं गांव के साथ कोई अन्याय कर दी, मेरी कोई गलती है, मेरा कोई चरित्र में चाल चरण में काम खामी है का कभी खामी है कोई तो कारण बताओ, क्या मान तो नीम कथा में रहना चाहूंगा, हाथ उठार बताओ धर्मा कथा का आदमी नीम कथा में रहना चाहो तो फिर क्यों है की बात, ये गलती है मेरे मन समझाओ तो सही कि मैं जाट के घर पैदा हुआ आ गलती है या मैं किसान कौन को काम कोरी करूं और को काम कोरी करूं या हो सकता है मैं हरेक समाज में एक साथ ले चलू, कोई व्यक्ति व्यक्तिवादी विचारधारा में बात करना हो सकता है मैं व्यक्तिवादी विचारधारा में बात करी होगी, लेकिन मैं जी जान लगाई कि बुढ़ा बड़ा गांव और मेरे सौंप पहले उदाहरण हो कि फिर कहें को निर्णय कर रहे हो भाई सरकार वालों थाने सड़क कहें बुरी आवे। बड़ा गांव झुंझुनू जिला की सीमा में है अर्थे फिर निमका था लेना चाहो हो अब कह होगी जका लोगों ने आपा वोट दिया जका को मान सम्मान करो एक भी आवाज उठी के एक भी दिन विधानसभा में आवाज उठाई होती तो मैंने तो आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बाकायदा एनओसी तक दिखाई गई है, विधायक का लेटर पैड पर लिख छोड़ो है कि उदयपुर वाटी पंचायत समिति संपूर्ण क्षेत्र को नीम का थाना में मिलाया जाता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सारी चीज देखिए सारा वरदान का अपन इस समय से गुजरा के बाद में भी आप लोग जो सहयोग बने वो सुख दी हो गुड़ागोड़ की तहसील का सारा लोग साथ रहा आपा सफल भी होया आपा सफलता होया कि सरकार की चोल से रहा दी अरबाम बात का पार नहीं पड़ी जरा बाकी एनओसी तो रद्दी की कोर्ट नौकरी में गई आपा झुंझुनू जिला में मात्र आपा नहीं रहेगा का तीन तीन चार चार गांव और जगह 15,000 आबादी पर भी आपने मिला दिया। मैं आपने ये बात के लिए निवेदन करना चाहूं जिसकी चीजा होनी चाहिए पर कोनी हुई पर अगली सरकार में मैं तारा सेवक के रूप में तुम्हें जाऊंगा तो पूरी करने की कोशिश करूं। उदय प्रवाटी से अलग हुआ बाद में ये विधानसभा में देखो अपनों मुख्यालय बड़े एस डी ऑफिस भी खुलेगा मुंसिप कोर्ट भी खुलेगा पंचायत समिति भी अलग बनेगी जब सारा काम अलग होगा तो जगह चीजें की मैं चर्चा कर रही हूं वो होनी चाहिए अधिकार है बड़ा गांव में मैं थाना निवेदन करना चाहूंगा।
अब प्रजातंत्र में देखो ना गोली चले ना लाठी चले ना बंदूक चले, प्रजातंत्र में कोई काम करना है आपको कोई अधिकार लेना है तो सारा को अधिकार सुरक्षित है, तय है। 5 साल से पहले तो कुछ होना नहीं, और 5 साल में कोई चूक जाएगो अरे सुंदरलाल जी बूढ़ा होगा तो भाई बड़ो जोरदार साकी क्या करता, एक आम दो आदमी हो भी कोई कमरा में बांट दियो और बहुत बड़ो हो, यहाँ विधानसभा बहुत बड़ी हुआ है, बड़ा गांव भी बहुत बड़ा है, वो हिला मारे जोर जोर सुमन बाहर ने काटो गेट खोल लाद रही हो बाहर ने काटो जन कोई आदमी बाहर ने काम करे बोले देख भाई बाबा मैं तो मेरा पूरा बांधू अब तेरो हाथ पकड़ गेट दिखावा कोई मेरे ठेको नहीं है मैं तेरा ठेव बता रहे होंगे तू भीत का हाथ लगा ले, अरे भीत का हाथ लगा तो चाल खाली जगह लाद जाए बाबू ही गेट है फिर मार निकल जाए बाबू भीत का हाथ लगा दिया चाल तो गयो जी गेट आयो बाबा के सिर में खाद चाल गई खाद खोर लागो गेट गेरे को गेरने वो आगे निकल गो वो ही गिरो अब टोटल दिन तो दर्द चल जाए खाद वो गेट आओ जना मैं बताऊं सही जगह गिरो कमल का फूल पर गिरो से काम होगा जो कि पर्ची के ऊपर भी होगा पर्ची नहीं होगा वो भी होगा दिन तो चल जाए खाद पथ के गांव को विकास तो है ही नहीं तो बने को नहीं मैं तो बावड़ो आदमी पथ भी लगे हूं पथ में मन तो बोला गांव में रोड पता ढेपड़ू चाहे सीमेंट के सड़क ढेपड़ू चाहे बैराल रानी की बननी चाहे गोदरा की रानी की बननी चाहे अटल बड़ा नोड़ी की बननी चाहे सारी सरकार बनाई कौन बनाई अस्पताल में देखो कादे स्किलो को करेगो अब भी अस्पताल बड़ो गांव वाकई बड़ो गांव है अरे देखिए जितना मैं कहूँ मगर भीख मांग के लिए अधिकार है बड़ा गांव को देखो होनी चाहिए पर कोने हुई पर बुद्ध को अधिकार प्राप्त कर बाबू राष्ट्र है भी समझो 25-1 तारीख में सिर में खाद नहीं चालनी चाहिए गेट सही मिलना चाहिए अच्छे थोड़ी बहुत चाल भी जाते हो कई और बताऊं धर्म बात अब के निर्वाचन आयोग ये थाली खाद का सकल उसके में कई बजे का भाषण दे दिया भाषण सुन रही हो नियम बनाए हो कि यार कोई बड़ा गांव में कोई शिफर में नाटास में घास कोई खाद चाल जाए तो कम थोड़ा तो टाइम ज्यादा दे दो घूम फिर रोटा गेट पर आ जाए इसलिए 7 बजे मेरी शाम की 6 बजे तक हाँ तो 4:30-5 बजे ही अंधेरो अंधेरे बोर्ड पड़ेगा एक बार गलती से कमरा भी चक्कर काट आ जाओ खाद चाह जाए तो दोबारा आ जाए तो बिलो मिल जाएगा बोर्ड कमल का फूल नहीं देना है पटन बोल दबाना है वो दबाओगा जना गजकी जी दो बड़ा गांव वंचित है मैं तना आश्वासन दे जाऊं भरोसा दे जाऊं कि सारी काम पूरी होगी अरे भाई कौन में गलती करूंगा जना बात बता दी लाठी बाटा को काम ही होनी प्रजातंत्र में एक बटन है बटन में तो ठाडो जोर है कि वो तेजरा नहीं जाओ ना फिर एक थोड़ा सा हटाते ही मारे अब चाहो के गांव को विकास हुए चाहो के भारतीय जनता पार्टी जीते चाहो हो के सनातन संस्कृति अमल हो जाए चाहो के हिंदुस्तान पूरी दुनिया को वापस जगत गुरु बन जाए चाहो के मोदी जी का हाथ मजबूत हो जाए चाहो हो के थारे लोगों को मान और सम्मान बढ़ जाए पूरी दुनिया में देश को नाम हो जाए तो राष्ट्र को तो एक ही है साथ में तो 70 साल में दूसरों राष्ट्र को देखे बोली कहते तो कोई मोनी बाबा ने प्रधानमंत्री देखा कहते कोई मोर ने प्रधानमंत्री देखा ये देश में थे इटली की रानी बनो चलाओ चाहो तो तुम्हारी मर्जी है चाहो कर देश का मान सम्मान स्वाभिमान के अनुसार सनातन संस्कृति ने मान वाला लोग देश में चलावे तो भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल को बटन दबाओ शिवा कोई राष्ट्र है ही नहीं निर्णय ध्यान करनो है निवेदन मन करनो हो वो निवेदन में आपने कर दियो मैंने आप लोग कर लो आप 25 तारीख में प्रातः 7 बजे अगर बूथ पर आज कमल का बटन ही बटन दबाओगा तो राम राज जागो हो मैं भाई गुंडा करने तैयार है अब थाल गांव तो नहीं हुई उसी गांव में कई बार गाले हैं कोई कह रहा बाबूलाल सैनी की हत्या करा दी कोई कह मदन मंडस की हत्या करा दी कोई कह महावीर धानी की हत्या करा दी चलो मैं तो होया दिया होया अब भी समय शेष है समझ जाओ बदल जाओ और परिवर्तन लाने की कोशिश करो और बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद राम राय।